श्रीलंका के राष्ट्रपति महिंद्रा राजपक्षे ने श्रीलंकाई जल क्षेत्र में अवैध रूप से मछली पकड़ने के आरोप में गिरफ्तार किए गए सभी 98 भारतीय मछुआरों को रिहा करने का आज आदेश दे दिया। राजपक्षे ने स्वतंत्र राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में श्रीलंका के खिलाफ अमेरिका समर्थित प्रस्ताव पर कल मतदान से भारत के अलग रहने से प्रसन्न होकर यह आदेश दिया है। मलेशियाई जांचकर्ताओं की ओर से नए सुराग मिलने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हुए विमान का मलबा खोजने की दिशा हिंद महासागर से परिवर्तित करके 1000 किलोमीटर उत्तर की ओर कर दी गई है। करीब एक सप्ताह से नौकाएं और खोजी विमान पर्थ से दक्षिण पश्चिम से NH-370 का मलबा खोज रहे थे। खोज की दिशा बदलने का यह निर्णय दक्षिणी चीन समुद्र और मलक्का जलडमरू मध्य के बीच से प्राप्त रडार की तस्वीरों की समीक्षा करने के बाद किया गया है। अमेरिका के वाशिंगटन प्रांत में भूस्खलन में 90 लोग लापता बताए जा रहे हैं और 25 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है। आपात प्रबंधन अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि 90 लोग लापता हैं और मृतकों की संख्या में इजाफा हो सकता है। सिएटल से 90 किलोमीटर उत्तर पूर्व स्थित काउंटी स्नोहमिश में राजमार्ग संख्या 530 पर 5 दिन पहले भूस्खलन हुआ था। सूत्रों के अनुसार अगले 24 से 48 घंटे के बीच बचाव कार्य में तेजी आएगी और कुछ लोगों के बारे में पता लग सकता है। जापान के सुनामी से दुर्घटनाग्रस्त हुए फुकुशिमा डाइची परमाणु संयंत्र में एक कर्मचारी की मौत हो गई है। इस संयंत्र को चलाने वाली कंपनी टेप्को ने बताया है कि इस कर्मचारी की संयंत्र में जलने से मौत हुई है और उसकी पहचान नहीं की जा सकती है। यह पहला मौका है जब इस संयंत्र में किसी कर्मचारी की मौत हुई है।